तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल एडसेंस का पिन मंगवाने के लिए एड्रेस डालते हैं तो उस एड्रेस को आप किस प्रकार से डालें जिससे कि आपका पिन सही तरीके से आपके घर पर पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव एड्रेस डालकर दिखाएंगे, और दोस्तों आप भी इस प्रकार से एड्रेस डालेंगे तो आपका गूगल एडसेंस का पिन भी आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल पर आ जाना है और आपको अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट लॉगिन करना है। ये देखिए, हम गूगल पर आ चुके हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल एडसेंस, तो आपके सामने काफ़ी वेबसाइट आ जाएंगी और आपको साइन इन गूगल एडसेंस पर क्लिक करना है। तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, ये देखिए, हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आपको अपना अकाउंट चेक करना है कि हमारा अकाउंट गूगल वेरिफिकेशन के लिए तैयार है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे यहाँ पर ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है एक्शन के लिए। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरिफिकेशन चेक का। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई होने के लिए तैयार है। तो हमारे यहाँ पर दिख रहा होगा टेक एक्शन। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता है। यहाँ पर हमें वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिख जाता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी अर्निंग 0 है। दोस्तों, आपको ऊपर दिख रहा होगा पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों, यह अकाउंट एडसेंस का अकाउंट है। आप यहाँ पर क्लिक करके अगर यूट्यूब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी यूट्यूब की अर्निंग यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यही रहने देते हैं और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने नया पेज आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, यानी कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए गूगल एडसेंस का अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों, हमारे पास ये देखिए दिख रहा होगा, आपको आपकी वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड, जो भी है आपके पास इनमें से एक। तो दोस्तों, आप गूगल एडसेंस का अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको लीगल नाम डालना है। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं उसमें जो नाम आपका है वही नाम यहाँ पर डालें। दोस्तों, ये देखिए, आपको लीगल नाम में अपना नाम डालना है सही, और नीचे आपको सिलेक्ट आईडी टाइप, यानी कि दोस्तों आप इसमें ड्राइवर लाइसेंस लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, वोटर आईडी लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे। तो दोस्तों, हम पैन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यह देखिए, हम यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर नीचे पैन कार्ड की सीधी तरफ यानी कि फ्रंट साइड की और बैक साइड जो कि पीछे की तरफ की फ़ोटो है वह अपलोड करनी है। दोस्तों, जो ऊपर अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पर हम आगे वाली साइड की फ़ोटो अपलोड करेंगे और नीचे जो है वह पीछे वाली साइड की फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके पैन कार्ड के अगली साइड की और पिछली साइड की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, अपलोड करते वक्त आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जिस डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड करो तो उसके चारों कोन बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए फ़ोटो में, वरना दोस्तों यह आपकी अपलोड नहीं होगी। तो हमने अपने पैन कार्ड की दोनों साइड अपलोड कर दी हैं और यह अपलोड हो भी चुकी हैं। अब दोस्तों, आपके सामने नया ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस डालने के लिए। अब आपको यहाँ पर एड्रेस किस प्रकार से डालना है जो कि आपका गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन घर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये देखिए, हम आपको डालकर दिखा देते हैं ऊपर ही। दोस्तों, ये देखिए, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पर विलेज डालें, अगर आप शहर से हैं तो सिटी डालें। तो दोस्तों, अब हम आपको गांव का एक एड्रेस डालकर दिखा देते हैं। दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, आपको इसी प्रकार का एड्रेस डालना है। पहले विलेज डालना है, फिर अपने गाँव का नाम डालना है, फिर दोस्तों पोस्ट ऑफिस डालना है, और दोस्तों फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट डालना है जो कि तहसील होता है, और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका ज़िला होता है। दोस्तों, इसके बाद जो भी इस प्रकार से एड्रेस पड़ा हुआ है, और बाद में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालना है। दोस्तों, इसलिए ताकि जब गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन आए और अगर पोस्टमैन को आपका घर का पता नहीं मिलता है तो वह आपसे कॉन्टैक्ट करके इस नंबर पर वह आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एड्रेस डाल सकते हैं स्ट्रीट वाले एड्रेस में, सबसे पहले नंबर पर दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से एड्रेस डाल सकते हैं उसमें। अब आपको दूसरे नंबर में किस प्रकार से एड्रेस डालना है वह आप यह देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दूसरे नंबर में क्या डालना है। आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे कि आपका तहसील हुआ, ज़िला हुआ, और दोस्तों आपका स्टेट हुआ, इस प्रकार से डाल सकते हैं। दोस्तों, सिटी में आप अपनी सिटी डाल सकते हैं, जो भी आपका शहर है, या आप तहसील का नाम भी डाल सकते हैं। दोस्तों, पिन कोड में जो आपका पिन कोड होगा वह आधार कार्ड के बैक साइड में दिख रहा होगा वह डाल सकते हैं।
और नीचे आपको राज्य दिख रहा होगा, स्टेट। दोस्तों यहाँ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी स्टेट आ जाएंगे। आपका जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने सभी डिटेल्स यहाँ पर डाल ली हैं। आप भी इस प्रकार से डिटेल डाल सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका यह एड्रेस सबमिट हो जाएगा जो अभी आपने डाला है, और यह वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों जो एड्रेस अभी आपने डाला है, इस एड्रेस पर आपका गूगल एडसेंस का जो पिन होता है वह पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने गूगल एडसेंस का इतने एड्रेस डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।